हाँ हूँ मैं गरीब। गरीब होना गुनाह है क्या कोई? गरीब होना गुनाह नहीं, गरीब होकर इस अमीरों के कॉलेज में पढ़ना गुनाह है। दिल्ली में रहने वाला लकी अपनी मेहनत और लगन के बदौलत शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पाकर पढ़ने गया था, पर उसके गरीबी के कारण कॉलेज में अक्सर उसका मजाक बनाया गया। हे गरीब, हे भिखमंगे, अबे लाचार। लकी हमेशा अपने पढ़ाई और काम से मतलब रखता और बाकी सारी चीजों को अनदेखा करता। कॉलेज में नई एडमिशन लिए कोमल ने उसके बर्थडे के दिन पूरे कॉलेज को शहर के सबसे आलीशान होटल में पार्टी देने का ऐलान किया। उसने खास लकी को भी उस पार्टी में बुलाया। अरे कोमल, इस गरीब का क्या काम? कॉलेज में सबके सामने ही बेइज्जत होकर लकी वहाँ से चला गया। कोमल के बुलाने पर कॉलेज के सारे अमीरजादे लड़के शहर के सबसे आलीशान 7-स्टार होटल पहुँच गए। कोमल एक रईस खानदान की लड़की होने के कारण उसके पार्टी में शहर के कई ताकतवर नेता, बिजनेसमैन और कई बड़े लोग शामिल हुए थे। और तभी, अरे वो गरीब लकी कहाँ है? टीचर से आज पूरा होटल साफ करवाएंगे। कॉलेज के बच्चे लकी के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक होटल में एक सन्नाटा फैल गया और सबकी नज़र होटल के दरवाजे पर गई। सारे बड़े नेता और बिजनेसमैन भागते हुए दरवाजे की तरफ गए और तभी दरवाजा खुलता है 10 बॉडीगार्ड के साथ। सोने की घड़ी, महंगा फोन, सबसे महंगे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया और सारे लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो आदमी सीधा चलते हुए कॉलेज के लड़कों के सामने आ खड़ा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, कौन से बर्तन धुलवाने वाले हो मुझसे? और उस आदमी को देख कॉलेज के सारे लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लकी था। आखिर क्या है सच कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब लकी का? एक रात में लकी इतना पावरफुल कैसे बना? क्या लकी जानबूझकर गरीब बना था या किसी मकसद से? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुने कहानी इंस्टा मिलियनेयर।